यहाँ पर ना मुझे ये मेरी फैमिली मिल गई है, इतने सारे लोग जमाने में नहीं थे। ये वाला देखिए क्रीम लगाने का मानो बच्चों को हिसाब, 5-5 रुपए की एक कटोरिया ले सकते हैं, 10 रुपए में आपको मिल जाएंगे एक पीस। 40 रुपए बोलेगा, बार्गेनिंग करिएगा, 30 रुपए में दे देगा। मेले में आओ, कप लूट लो। अगर आप लोगों को ये लेना है ना, ये टी सेट, ये वाला आपको 600 रुपए का। ये वाले कप देखिए, पहले 150 रुपए में थे, अब 100 रुपए के 6 हो गए। हमारे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अनीता जी की लाडो बिटिया में। मैं हूँ शिवांगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं ना छुट्टी वुट्टी करके अपनी क्लास की आ गई हूँ फिर से डालीगंज के मेले को कवर करने। और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था ये कहाँ पे, बहुत लोगों को इसका लोकेशन भी नहीं पता था, तो आज मैं यहाँ पे बता देती हूँ। कल मैं बहुत जल्दी जल्दी वीडियो बनाने लगी थी, तो ये हनुमान सेतु के सामने झूलेलाल पार्क में लगा हुआ है, अभी भी वहीं लगा हुआ है। संडे तक लगा रहेगा, मतलब संडे मंडे ट्यूजडे तक आप लोग यहाँ पे आएंगे ना, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ चीजें देखने मिली जाएगी। फिलहाल मैं संडे को फिर से आऊंगी, तब आप लोगों के लिए वीडियो फिर से बना दूंगी। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। मतलब जो दुकानें मैंने कल दिखाई थी उसको मैं आज कवर नहीं करूंगी, आज मैं दिखाऊंगी इसमें यहाँ पे नई नई दुकानें और क्या क्या है, कितना क्या रेट है, रेट वेट भी मैं आप लोगों को बताती रहूंगी। तो पूरा वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा, जिससे और लोगों को भी पता चल सके और वो लोग भी आ जाए जल्दी से जल्दी। तो चलिए अभी वीडियो को अपना स्टार्ट करेंगे, पूरा ब्लॉग देखना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये जो बर्निया आप लोग देख रहे हैं, तो इसमें आप लोग नमक भी रख सकते हैं ना, तो वो नमक सिलता नहीं, और अचार वचार कुछ रखना चाहे रख सकते हैं। ये यहाँ पे आप लोगों को 30 रुपये या 25 रुपये में मिल जाएगी, बट इसके ढक्कन अलग अलग हैं। तो ढक्कन से मैं क्या मतलब है, मैं तो सामान रख के घर में साइड में रखना होता है, तो आप लोग लेना चाहें तो ये ले सकते हैं। ये यहाँ पे 5-5 रुपये में कप हैं, तो थोड़े से आप लोगों को छाटना बीनना पड़ेगा। जो 10 रुपये के कप थे वो 5 रुपये के हो गए। ये आइसक्रीम बाउल है, ये 30 रुपये के दो है, मतलब 15 रुपये का एक, 25 रुपए के दो भी दे देंगे अगर आप बार्गेनिंग करेंगे। तो इसमें देखिए येलो कलर है, और ये देखिए ब्लू कलर है, मतलब ब्लू कलर का है, सुंदर सा। इसमें आप ना रसगुल्ला भी रख के दे सकते हैं, बट आइसक्रीम ज्यादा अच्छी लगेगी। और यहाँ देखिए स्काई ब्लू कलर है। ये यहाँ पे कटोरियां हैं, तो ये वाली जो कटोरियां ये 100 रुपए की 6 है, तो आप लोग ये भी लेना चाहें ये भी ले सकते हैं। तो ये सब मतलब अभी आपको इस मेले में ना फ्रेश फ्रेश सामान भी देखने मिल जाएगा। ये सब यहाँ पे दाल रखने वाले सब कंटेनर हैं। यहाँ पे ये सब देखिए प्लेटें भी आप लोगों को देखने मिल जाएंगी, ये सब पूरी यहाँ तक लगी हुई है। और ये वाली प्लेटें भी देखिए बड़ी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर सी हैं। ये ना 300 रुपए की थी, मतलब छोटे साइज की, मतलब मीडियम साइज की हैं ये। और ये जो बड़ी वाली है ये 550 रुपए की है, ये 6, मतलब 550 की 6 है, और छोटी वाली 300 या 300 रुपए में 6 है, मतलब इसी टाइप में। तो आप लोगों को बड़ी में भी पिंक कलर ब्लू कलर में मिल जाएंगी, और छोटी में तो मिल ही रही है बढ़िया बढ़िया सी। और ये सब यहाँ पे बाउल लगे हुए हैं, ये 200 रुपए 250 रुपए में, ये 3 का पूरा सेट है, तो इसमें भी आप डाइनिंग टेबल पे सर्व कर सकते हैं। और ये जो छोटा वाला आप लोगों को बाउल देखने मिल रहा है, ये 60 रुपीज का, इसमें जैसे चाउमीन वाउमिन भी ना थोड़ी रख सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बढ़िया लगती है। तो ये वाली बड़े मतलब हम लोग देख रहे थे, अभी आज हम लोग ना बहुत सारा सामान लेके आए, जल्दी आपको वीडियो मिलेगा। हम लोगों ने खूब सारे पैसे लुटाए हैं डालीगंज मेले में। ये वाला जो आप लोग बाउल देख रहे हैं ना, इसमें आप लोग ना दाल वाल भी रख सकते हैं डाइनिंग टेबल पे, नहीं तो सिवैयां रखी जाती, तो आप सिवैयां भी रख सकते हैं, और वो फुलके शायद बोलते ना वो भी रखते हैं। तो ये वाला जो है बड़ा वाला था, तो ये वाला 300 का था, छोटा वाला 250 का था। और यहाँ पर देखिए ये ना मिर्ची वाली मिर्ची टाइप की प्लेटें थी, ये 350 रुपए में 6, मतलब 300-350 की रेट पे ये वाली देखिए ये। तो हम लोग ना सोच रहे थे ये दीप्ति दीदी को दे देंगे गिफ्ट में, क्योंकि वो बहुत मिर्चा खाती हैं, इसलिए उनको यही देने वाला, उनकी एनिवर्सरी भी आ रही है ना, तो हम लोग यही कह रहे थे यही दे देते हैं। तो ये वाली छोटी साइज की है, तो इसमें चाउमीन वाउमीन रख के कटलेट वटलेट रख के दे सकते हैं। ये देखिए फ्लावर ये बटरफ्लाई बनी, और ये देखिए बड़ी वाली है, तो ये भी आप ले सकते हैं, सेट के साथ बनाना चाहे बना सकते हैं। ये भी 500 की है, ये देखिए बड़ी वाली मिर्चा, दीप्ति दीदी को पक्का दे दी, बहुत तीखा खाती है हमसे, हम मतलब मत पूछिए। और फ्रेंड पता है वॉइस ओवर कर रही हूँ अभी, मैं कुछ में कर रही हूँ अभी, कुछ में आप लोगों को मेरा साउंड सुनाई देगा, क्योंकि माइक लगाई थी, पता नहीं क्या हुआ, वीडियो मैंने जल्दी जल्दी बना दी क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो रही थी वहां पे, अभी भी भीड़ हो रही है, आप लोग जाकर और भीड़ कर लीजिए। ये वाला जो हम कप पकड़े हुए थे ये 20 रुपए का है, तो इसमें आप कॉफी वॉफी पी सकते हैं, मतलब ये फ्रेश पीस था बिल्कुल ये वाला बढ़िया सा। तो इसमें बहुत सारे कलर्स है, ये ग्रे कलर का है, और इसमें पिंक कलर भी है और येलो कलर भी है, तो बहुत सारे कलर है। ये वाला देखिए, ये वाला मग है, इसमें बच्चों को दूध वूध दे सकते हैं, तो आप लोगों को 10-10 रुपए के भी बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा तो देख सकती हैं आप, और वरना ये वाला 20 रुपए का। ये वाले देखिए ये 10-10 रुपए के हैं यहाँ पे, तो आपको थोड़ा छाटना बीनना पड़ेगा, वरना फिर आपको बढ़िया सामान 10 रुपए में मिल जाएगा अगर आपने
10-15 बार भी दूध पी लिया तो क्या, तो बढ़िया ही है ना, कुछ भी मतलब कर लिया तो 10 रुपए वसूल जाएंगे। ये यहाँ पे अचार की बननी थी, ये यहाँ पे 50 रुपए बता रहे थे, तो मैंने कहा अरे इतना ज्यादा रेट है, फिर कह रहे थे 20-30 रुपए में भी मिल जाएगी यहाँ पे 30-40 में। ये इतना बड़ा देखिए ग्लास मतलब है ना, ये कह रहे थे 100 रुपीज का है, तो ये आप बार्गेन करिएगा 80 रुपीज में दे देंगे। फिलहाल मुझे इनकी शॉप ना थोड़ी सी महंगी लग रही थी, और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे भी आप लोगों को बड़ी बड़ी बर्नियां देखने मिल जाएंगी और ग्लासे कटोरियां भी। आप लोगों को ये सब चीजें लेनी हो ना तो आप लोग यहाँ पे आराम से जा सकते हैं और ले सकते हैं, आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ये देखिए ये 10-10 रुपए में आप लोगों को यहाँ पे बर्नी मिल जाएगी, बट इसके ढक्कन नहीं थे, या फिर अगर ढक्कन मिलेंगे भी ना अलग मिलेंगे, बट 10 रुपए में ठीक ही है अगर ढक्कन मिल जाए। बिना ढक्कन के भी लेना हो तो आप इसमें कुछ भी सामान रख सकते हैं, 10-10 रुपए की थी। ये देखिए ये हाथ वो चम्मच स्टैंड है, ये देखिए कितना सुंदर है, अगर आप रखेंगे ना डाइनिंग टेबल भी रख सकते हैं, बहुत प्यारा सा था। इसका रेट मुझे पता नहीं है, बट ये ऐसे ही सस्ता ही होगा, ज्यादा महंगा नहीं होगा, 150-200 रुपए की रेंज में होगा। आप चम्मच वम्मच फंसा के आराम से रख सकते हैं, तो ये बड़ा सुंदर सा लग रहा था, तो हम लोग इसी के बारे में बातचीत कर रहे थे, बढ़िया लग रहा था हमें। और देखिएगा अभी आगे और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, और अभी कौन कौन इसी वेले नहीं गया है तो अभी जल्दी से चली जाइए, और अगर अब तक आप लोग जा चुके हो अगर और शॉपिंग करनी है तो भी जा सकते हैं। कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कौन कौन ये वीडियो देख के मेला जा रहा है, और अभी मैं संडे को भी जाऊंगी तो फिर से मैं संडे को भी अपडेट दूंगी कितनी दुकानें बची हैं, आप लोगों को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, मेरा घर तो पास में ही है तो मैं तो आपको पास में भी जाकर अपडेट दे सकती हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को ये सोप रखने वाला भी आपको मिल जाएगा, ये 150 रुपए का है, या आप कहेंगे तो 120 रुपए में आपको ये आराम से दे देंगे, थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करेंगे तो कम कर देंगे मतलब दे देंगे। और साबुदानी है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, ये देखिए भैया बैठे हुए, इनकी संडे तक शॉप रहेगी, तो यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी प्लेटें हैं, अभी बहुत सारी चीजें बची हैं। देखिए ये शो पीस है यहाँ सब ना, फ्लावर पॉट, तो ये भी आपको मिल जाएंगे 75 रुपए के एक, ऐसे ये 150 रुपए के दो, तो ये देखिए हिरन वाला ना 75 रुपए का है, तो भी आपको हो सकता है 2-120 रुपए में ही दे दे, तो आपको और सस्ते में आप निपट सकते हैं, तो जिनको गार्डन वार्डन में सजाना हो तो वो यहाँ से जाकर ले सकते हैं। अभी भी फ्लावर वाला पॉट बहुत अच्छे अच्छे हैं, और मतलब अगर लेना है आप ले सकते हैं, 10 रुपए में मग मिल रहे हैं, 10-20 रुपए मिल रहे हैं, तो इसी टाइप में मिल रहा है, थोड़ा सा थोड़ा क्या बहुत सस्ता हो गया मेला, कप वप भी बहुत सस्ते हो गए हैं, तो अभी आप लोग जब जाएंगे ना तब आप लोगों को पता चलेगा। तो फ्रेंड्स अभी आप लोगों को ना यहाँ पे अगर आप लोगों को ये सब क्रॉकरी लेनी हो मतलब ये सब वाली लेना हो ना, तो प्लेटें तो आप ये भी ले सकते हैं, ये भी 550 रुपए की 6 है। आप यहाँ आइएगा ना, थोड़ा बहुत आप बार्गेनिंग करिएगा, ये वाली 350 रुपए में है 6, तो यहाँ पे देखिए ये सब कटोरियाँ भी लगी हुई हैं, अभी ये सब इस मेले में अभी बचा हुआ है, ये सब ये भी आप ले सकते हैं, ये देखिए 100 रुपए का है ये वाला, 100 रुपए का है ये वाला, ये देखिए 100 रुपए 150 रुपए में ये वाले हैं, तो अभी आप लोग ये भी ले सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए ये सब मग आपको मिल जाएगा 100 रुपीज का 150 रुपए का, तो अभी यहाँ पे ग्लासे मिल जाएंगी देखिए इस मेले में, ये सब दुकानें बची और ये सब संडे तक रहेंगी, तो जिसको अभी भी क्रॉकरी लेनी है ले सकता है यहाँ से। यहाँ पर देखिए ये सब कप है अभी जो 100 रुपए के है, 100 रुपए के 6 है ये सब, ये वाले 100 रुपए के 6 है। इस बार ना डालीगंज में ना कप इतने महंगे आए हैं, इतने महंगे आए हैं, साला हम ही नहीं खरीद पाए इस बार, बगल में रहते हैं, ये 50 रुपए के 6 हैं ये वाले, ये वाले भी देखिए ठीक ही हैं, अभी लेना होगा तो हम 50 रुपए के 6 वाले में ही लेंगे एक, मतलब लेना है मुझे किसी के लिए। अभी देखिए ये यहाँ पर देखिए ये सब क्रॉकरी लगी हुई, ग्लास लगी हुई है, अभी ये सब चीजें यहाँ पे लगी हुई है, ये सब देखिए ये सब आप ले सकते हैं, ये ट्रे हमें बहुत प्यारी लगती है, तो ये ट्रे व्रे अभी आपको लेना हो ना तो ये सब चीजें आप लोग ले सकते हैं, यहाँ पे ये सब चीजें यहाँ पे बची हैं अभी। 50-50 रुपए वाले भी स्टॉल लगे हुए हैं, तो आपको ये देखिए ये सब चीजें मिल जाएंगी, यहाँ पे थालियां मिल जाएंगी आप लोगों को, मैशर मिल जाएगा, चाय वाली छन्नी देखिए है बट हल्की है, बट 50 रुपए के हिसाब से ठीक है, 50 रुपए में भी देखिए ये यहाँ पे चाय वाली छन्नी है, ये 50 रुपए में लो भी चाय वाली छन्नी, नहीं है चाय वाली, अब क्या करें महंगाई हो गई है, तो महंगाई बढ़ गई है तो सामान महंगे हो गए, जब महंगाई सस्ते जब सामान वो महंगाई कम होगी तो सामान भी सस्ता होगा। 50 रुपए में ये सब देखे डलिया है, हमको लेनी है डलिया, ये देखिए ये वाली डलिया भी देखिए, ये कितने की है, 50 की है, अच्छा ये वाली डलिया 100 रुपए की है, 100 रुपए की है ये यहाँ पे,
यहाँ देखिए बड़ी बड़ी आप लोगों को बाल्टी देखने मिलेगी। भैया ये क्या रेट में है, ये वाली ये क्या रेट में? ये 400 रुपए की आपको यहाँ पे पानी पीने के लिए बाल्टी मिल जाएगी। ये वाले कप भी आप लोगों को 50 रुपए में मिल जाएंगे। ये देखिए ये 50 रुपए के दादी, ये वाले ये देखिए ये 50 रुपए के हैं ये वाले कप। ये देखिए ये वाले कप ना 50 रुपए में है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को इसमें भी कुछ रखना हो ना तो आप लोग ले सकते हैं। ये देखिए 50 रुपए के हैं। ये देखिए इसमें ना हम मसाले रखते हैं, हम इस कांच के बर्तन में मसाले रखते हैं ना तो ज़्यादा टाइम तक चलते हैं। तो देखिए ये सब इनकी अभी यहाँ पे ये सब क्रॉकरी बची है। भैया ये वाली चाय वाली केतली है, ये क्या रेट में है? 900 रुपए की है। वो देखिए कितनी सुंदर लग रही है 900 रुपए में। यहाँ पर देखिए ये सब चीजें बची हैं अभी। ये देखिए आइसक्रीम बाउल आप लोगों को भी यहाँ पे मिल जाएंगे 350 रुपए के, 6 हैं यहाँ पे। भैया ये क्या रेट में? ये 100 रुपए का है। यहाँ पर देखिए ये सब अभी आपको सामान देखने मिल जाएगा। ये सब चीजें यहाँ पे पूरी हैं। कप आप लोगों को 40 रुपए के 6 मिल जाएंगे। ये वाले कप ठीक है, उधर दिखाओ गोल वाले, ये 40 के 6 हैं। ये देखिए जो कम चाय पीता है उसके लिए सही है। ऐसे हमारा घर बहुत छोटे नहीं है यार, छोटे बच्चों को चाय देनी है क्या? अपने घर के छोटे छोटे नवाबों के लिए आप ये कप ले सकते हैं। 40 रुपए के 6 हैं, के 40 रुपए के 6 वहाँ तक लग गए हैं। ये वाला तो तब भी ठीक लग रहा है, ये तो सही है, ये तो सही है, ये सही है, बाकी नहीं सही है। हमारे घर में ज्यादा चाय नहीं पी जाती, हमारे घर के लिए ठीक है, हम लोग चाय नहीं पीते। ये वाले कप देखिए पहले 150 रुपए में थे, अब 100 रुपए के 6 हो गए। 200 रुपए थे, 200 पहले ये बता रहे 200 के थे, अब ना 100 रुपए के हो गए। तो आप लोगों को ये वाले लेने हो कप ले सकते हैं। माइक्रो फ्रेंडली है ये वाले कप, देखिए थोड़े से बड़े हैं, ये थोड़े से ठीक है। 100 रुपए के 6 हैं। ठंडी होगी इसमें चाय, जल्दी ठंडी। अच्छा इसमें चाय जल्दी ठंडी होगी, खुले है ना। अच्छा ये 250 के 6 हैं। ये पहले 300 रुपए के 6 थे, ये पहले 300 रुपए के 6 थे, अब 250 के 6 हो गए। अभी संडे तक लगा रहेगा। ले लीजिए भैया का चारा ले लिया है, इनकी शॉप पे आ जाइएगा। ये सब सामान इनकी शॉप पे सस्ता हो गया है। ये देखिए ये सब देखिए, ये वाले 50 रुपए के 6। कल हमने बनाया था इसका वीडियो, यहाँ तक आए थे ना, नहीं हमने बनाया था ये वाले। ये देखिए ये 50 रुपए के 6 हैं ये वाले। भैया क्या रहे 50 रुपए के, वो 100 रुपए के पहले ये वाले कब थे, 50 रुपए कर दिए। आ जाइए आ जाइए, आप लोग आ जाइए, लूट लीजिए आके। बड़े कप है ये वाले कप, सही है। 40 रुपए से ज्यादा बेटर ये 50 वाले कप है। आप लोगों को अभी भी डिनर सेट लेना हो तो आप ये डिनर सेट ले सकते हैं। 21 पीस का है, वो देखिए वहाँ पे सामने लगा हुआ है। ये देखिए हम आपको जूम करके दिखा दे रहे हैं, वो पूरा वहाँ पे उनका सेट लगा हुआ है। आपको मिल जाएंगी छोटी थालियाँ 6, आपको मिल जाएंगी बड़ी थाली, और आपको मिल जाएंगी 6 वो 6 कटोरियाँ मिल जाएंगी, और 2 बाउल मिलेगा। एक आप लोगों को वो जो बड़ी वाली ट्रे होती है ना जिसमें चावल अवल सर्व कर सकते हैं वो मिलेगा। स्पून नहीं मिलेगा भैया, स्पून नहीं है इसमें। तो इतनी चीजें हैं ये 1600 रुपए में, ये देख सकते हैं आप लोग। तो देखिए ये लाइन से वहाँ पे लगा हुआ है, अलग अलग रेट में होगा, वो देखिए पूरा वहाँ पे लगा हुआ है। तो अभी ये संडे तक लगी रहेगी ये शॉप, तो आप लोग आके यहाँ से ले सकते हैं। भैया ज्यादा पीस का भी है, कितने का है वो? 35 पीस का 1900 रुपए का, 35 पीस का 1900 रुपए का मिल जाएगा। ये देखिए ये आप ना 250 रुपीज में ले सकते हैं। ये देखिए अगर आप लोगों को ये लेना है ना, ये टी सेट ये वाला आपको 600 रुपए का, ये वाला 600 रुपए का है, तो आप लोग ले सकते हैं। भैया वो जो उधर वाला पीछे रखा ये 1000 रुपए का है। देखिए ये यहाँ पे आप लोगों को ग्लासें मिल जाएंगी 250 रुपए की, और ये वाली 150 रुपए की है। 50 के 3 है, ये 40 रुपए के 6 हैं।
क्वालिटी का फर्क होता है ना। ये देखिए, ये यहाँ पे 30-30 रुपए के कप मिल रहे हैं। ये देखिए 30 रुपए में है। तुम दोगे ना 30 रुपए में, हम वीडियो में बता रहे हैं। ये देखिए 40 रुपए बोलेगा, बार्गेनिंग करिएगा, 30 रुपए में दे देगा। और अच्छे हैं कप, अगर 30 रुपए में आपको लोगों को दे दे तो अच्छे हैं। ये वाले ना 30 रुपए के 6 हैं, ये वाले। पर उससे अच्छे तो मैं वाले लग रहे हैं। ये देखो, मेले में आओ, कप लूट लूट के ले जाओ। ये वाला देखिए 30 रुपए के 6 हैं। थोड़े से मतलब आपको गंदे दिख रहे हो, घर में जाकर धुल वुल लेना, इतने सस्ते मिल रहे हैं तो धुल, घर में धुल तो सकती हो, वैसे भी कप अप तो धुलते ही है सब लोग। इसी के लिए ना हम एनिवर्सरी पे यहीं से कप खरीदेंगे, यही कप देंगे, क्योंकि एनिवर्सरी आ रही है, सस्ते में ना निपट जाएंगे। देख लीजिए, संडे तक लगाएगा दुकान, आ जाइएगा, इसके थोड़ा बार्गेनिंग करिएगा, इससे कर देगा कम। नोट गिनने में देखिए कैसे जुटा हुआ है, जब सस्ता सामान देगा तो नोट गिनेगा ही। फिर ना मुझे ये मेरी फैमिली मिल गई है, इतने सारे लोग, तो ये ना मेरे चैनल को देखते हैं, तो ये यहाँ पे मेला घूमने आए हैं। तो ये सब लोगों ने बोला कि मैम मैं आपका वीडियो देखा था एक दो बार, और इन्होंने मुझे प्रेम मंदिर में भी देखा था, तो हेलो बोल दीजिए आप लोग। तो ये सब लोग यहीं पे पास में पड़ते, तो मेला घूम लिया आप लोगों ने, तो अब तो खत्म हो रहा है, तो कुछ शॉपिंग की कि नहीं लास्ट में? अच्छा चलिए, आप लोगों का पूरा ग्रुप है जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। जब ना मिलते हैं ना लोग ऐसे ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू। रुपए के देखिए, ये यहाँ पे सब सामान लगे हुए हैं। ये देखिए अभी 10-10 रुपए में आप लोग ये सब सामान ले सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे 10-10 रुपए का ये सब सामान है। अपना रे, हम लोगों के जमाने में नहीं थे ये वाला। देखिए क्रीम लगाने का मन हो बच्चों को, ये शार्पनर दे दो, क्रीम वाला शार्पनर। ये सब देखिए 10-10 रुपए में ये सब शार्पनर है। यहाँ से ना 5-5 रुपए की ये कटोरियाँ ले सकते हैं। देखिए 5-5 रुपए की यहाँ पे कटोरियाँ हैं। ये 10-10 रुपए की देखिए यहाँ पे प्लेटें हैं। ये बड़ी वाली प्लेट क्या रेट में? 20 रुपए की है वो बड़ी वाली, देखिए 20 रुपए की एक है। तो ये देखिए यहाँ पे ट्रे भी आप लोगों को देखने मिल जाएंगी, ये सब देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, सामान मिल जाएंगे। ये देखिए सब यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे कप वप भी मिल जाएगा। ये देखिए ये पीछे वाली लाइन से है ये पूरा, यहाँ पे ये सब देखिए दुकानें लगी हुई हैं, और भीड़ देखिए कितनी ज्यादा हो गई है। वो 10 रुपए के 6 हैं। ये वाले क्या रेट में है? ये भी मंद है, 50 रुपए का पीस है। ये वाले, ये सब देखिए, ये सब 50 रुपए में आपको मिल जाएंगे एक पीस। ये के वहाँ पे भी जो रखे हैं ना, ये सब 50 रुपए के फ्लावर पॉट आपको देखने मिल जाएंगे। संडे तक ये शॉप लगी रहेगी, तो आ जाइए आप लोग जल्दी से जल्दी और लेके चले जाइए। और संडे को मैं फिर से आऊंगी, तब आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी। देखिए भीड़ देखिए, इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है अभी भी, तो और भीड़ बढ़ा दीजिए, वीडियो हम लोग इसीलिए बना रहे हैं। देखिए भीड़ भीड़। हमने ये भैया के ठेले पे देखिए मोमोज लिया है, अभी हम आगे आप लोगों को दिखाते हैं इनका ठेला कौन सा है। तो यहाँ का ना मोमोज है तो बड़ा टेस्टी दिखने में। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने मोमोज ले लिया है, तो खा के देखते हैं, लोगों को खा के भी बता देते कैसा है। अच्छा है, फीलिंग विलिंग अच्छी है। तो चलिए हम खा लेते हैं, इनका कौन सा ठेला है ना, हम आपको बता देते हैं, आप लोग भी आके खा लीजिए। यहाँ पर देखिए राधे कृष्णा मोमोज वाले भैया हैं, तो इनके पास मोमोज है, तो अगर आप लोगों को मोमोज खाने हो तो आप लोग खा सकते हैं। भैया क्या रेट में है मोमोज? 30 का हाफ मैडम। 30 का हाफ है, पनीर 40 रुपए का। फ्राई नहीं दे रहे हैं? फ्राई क्या रुपए? फ्राई 40 रुपए का है। तो आप लोग, यहाँ पे पानी की बॉटल भी है, तो अभी आप लोग संडे तक लगाएंगे, संडे तक लगाएंगे, तो आप लोग यहाँ से आके मोमोज ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी के मोमोज मिल रहे हैं, हमने अभी खाए हैं, तो हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पे अभी ये सब देखिए, यहाँ पे आप लोगों को खाने पीने के स्टॉल मिल जाएंगे। भेलपूड़ी खानी हो तो आप लोग भेलपूड़ी ले सकते हैं 20 रुपए की, वहाँ पर भी वो देखिए स्टॉल लगा हुआ है। अभी खाने पीने के भी स्टॉल आप लोगों को मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे अगर आप लोगों को बताशे खाने तो आप लोग बताशे भी खा, बताशे भी आप लोग खा सकते हैं। 4 कलर के पानी, 10 के 5 है बताशे यहाँ पे। तभी खाने पीने का भी सब कुछ लगा हुआ है यहाँ पे। संडे तक आप लोग
आराम आराम से आ सकते हैं, मस्त मौला घूमिए टहलिए खाइए शॉपिंग करिए संडे तक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना अभी भी बहुत सारी दुकानें लगी हैं, संडे तक लगी रहेंगी, तो मैं संडे को ना फिर से आऊंगी और आप लोगों को एक और अपडेट दे दूंगी। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये मेरा ना अपडेटेड वीडियो अच्छा लग रहा अच्छा ही लगा होगा। तो अभी भी आप लोग आकर शॉपिंग कर सकते हैं, और आज हम लोगों ने ना बहुत सारा सामान ले लिया, समझ में नहीं आ रहा है कैसे लेके जाएंगे। तो आज झोला भी नहीं लेके आए थे, सिर्फ हम यहाँ वीडियो बनाने के लिए आए थे, बट हमने देखा ठीक ठाक रेट में कप वप है अभी, तो हम लोगों ने ले लिया क्योंकि हम ले भी नहीं पाए थे। और ना यहाँ आइएगा तो आप लोग शाम को मत आइएगा, शाम को बिल्कुल मत आइएगा, शाम को आने तो टॉर्च लेके आइएगा। मैंने आपसे पिछली वाली वीडियो में भी कहा है दिन में ही आइएगा, 12 बजे से लेके 5 बजे के बीच में ही आइएगा, और अच्छे से शॉपिंग कर लीजिएगा। धूप धूप में आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखेंगी भी, और छाटा भीड़ना थोड़ा आपको पड़ेगा। तो चलिए आप इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट्स करके बताना कौन कौन इस मेले में आ रहा है। तो चलिए बाय बाय।